यूं तो प्रेम कहानियां कुछ खास अलग नहीं होती, मगर आरती और नकुल की इस नई जोड़ी को लेकर निर्देशक दीपक आनंद एक नई प्रेम कहानी कहना चाह रहे हैं। फिल्म का नाम उन्होंने तुमसे अच्छा कौन है रखा, जिसका रोमांटिक संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया है। हर फिल्म अलग होती है, मगर क्या है, जैसे इंसान है, मेरी शक्ल आपकी शक्ल से मिलती नहीं है, मगर अंदर की जो बात है वो हम दोनों की कॉमन है। तो वैसे ही फिल्मों की कहानी, उसको रूप हम अलग देते हैं, उसके अंदर की बात वही होती है। आरती और नकुल दोनों ही मॉडल रह चुके हैं और फिल्मों में आने के लिए कब से प्रयास कर रहे थे। आरती को यह फिल्म तब मिली जब उन्हें वीनस के मालिक रतन जैन ने सुखविंदर के म्यूजिक वीडियो नशा ही नशा है में देखा। When I met the director initially and he made a lot of sense to me, you know, the way he narrated me the script and I heard a couple of songs also. Music is by Nadeem Shravan and so I just went with my intuition and just signed up the project. I am playing a middle class tourist guide. And she's a very simple girl and her belief in life is if you love someone, set the love free. If he loves you, he will come back to you. If he does not come back to you, that means he never was yours. खैर, ये दोनों ही कलाकार भले ही दर्शकों के लिए नए होंगे, इनके बीच का तीसरा कोण जरूर उनके लिए नया होगा। फिल्म में मोहब्बतें की संजना यानी किम शर्मा भी एक मुख्य भूमिका निभा रही हैं। I really found the role interesting because it's very contrary to the role I just played in Mohabbate. You know, in that I played a very sweet, young, very bubbly girl. In this, it's slightly different. हालांकि निर्देशक दीपक आनंद अभी ये नहीं बता पा रहे कि किम शर्मा और आरती में से फिल्म की नायिका कौन है, मगर इतना जरूर कह रहे हैं कि याद रखेगी दुनिया, बलवान और श्रीमान आशिक जैसे उनकी फिल्मों के बाद ये फिल्म उनके लिए नए मुकाम तय करेगी। और चूंकि फिल्म की स्टार कास्ट नई है, वो अपनी मनमाफिक तस्वीर उतारने में सफल हो रहे हैं।